गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल ब्यूटी बाइट्स और मैं हूँ अंजलि। गाइज आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ तीन तरह के हेयर स्पा क्रीम्स का और उनके फायदे बताऊंगी, उनकी क्या USPs है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइज जैसा कि आप सबको पता है कि हेयर स्पा एक ऐसा मेन प्रोडक्ट है जो कि हमें चाहिए ही चाहिए होता है, चाहे फिर हम चाहे घर पे हम हेयर स्पा करें चाहे हम पार्लर्स में हेयर स्पा करें। अगर हमको हेल्दी ब्यूटीफुल शाइनिंग स्ट्रेट हेयर चाहिए तो हमें हेयर स्पा कराना चाहिए। तो आज मैं तीन तरह के हेयर स्पा आपके पास लेके आई हूँ और उनका रिव्यू करने जा रही हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज जो पहला हेयर स्पा मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है लॉरियल से स्मूथनिंग क्रीम बाथ विद वाटर लिली फॉर थिक एंड रिवेलियस हेयर का ये देखिए, और इस हेयर स्पा के बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो हम हेयर स्पा लेके आए हैं वो है लॉरियल से ही सीरीज एक्सपर्ट का प्रो केराटिन लिस अनलिमिटेड हेयर स्पा। ये देखिए ये पैकेजिंग आपने पार्लर्स में देखी होंगी, आपने करवाया भी होगा। तो आज इसकी खास बात हम जानेंगे और देखेंगे कि हेयर स्पा हमारे बालों के लिए कौन सा वाला हेयर स्पा बेस्ट रहता है। और तीसरा जो हेयर स्पा मैं लेके आई हूँ वो है सेंट बोटैनिका का, जो कि एक हर्बल ब्रांड है और काफ़ी अच्छा आयुर्वेदिक ब्रांड माना जाता है। उसका मैं तीसरा हेयर स्पा आपके लेके आई हूँ और ये है बायोटिन एंड कोलाजन हेयर मास्क, जो कि ऑल टाइप ऑफ हेयर्स के लिए है। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं और चेक करते हैं इनके रिव्यूज़ के बारे में। मैं आपको बताती हूँ उनका यूज़ क्या कहता है और आपके हेयर्स के लिए कौन सा वाला हेयर स्पा आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज जो पहला मैं हेयर स्पा के बारे में आपको रिव्यू देने जा रही हूँ वो है सीरीज एक्सपर्ट का लॉरियल से प्रो केराटिन लिस अनलिमिटेड हेयर स्पा, और इसका जो प्राइस है वो है 1000 रुपीज़ का और 3 ईयर्स की इसकी शेल्फ लाइफ होती है गाइज। तो ये एक बड़ा पैक है जो कि आपने अक्सर पार्लर्स का देखा होगा। सो गाइज ये वाला जो मास्क है ये अगर अपने बालों में कोई कलर करवा रखा है किसी तरीके का तो बेसिकली ये वाला जो हेयर स्पा है ये उन बालों के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर आपने अपने बालों में कोई कलरिंग कराई हुई है, कोई हाइलाइटिंग कराई हुई है तो उसको ये मेंटेन करके रखता है, और साथ ही साथ आपके बालों में अगर कोई फ्रिजीनेस है तो उसे कंट्रोल करता है, आपके बालों को टैंगल फ्री करता है। और इसमें अमीनो एसिड और वीट प्रोटीन भी डाला गया है जिससे कि आपके बालों को एक स्ट्रेटनिंग लुक भी आपको देगा और बालों को शाइन तो बढ़ाता है। चाहे कोई भी हेयर स्पा आप करा लें बालों की शाइन तो बढ़ेगी। तो हेयर स्पा जो ये वाला है ये अगर आपके बालों में अगर आपने कलर करवा रखा है तो उसके लिए एप्लीकेबल है। आपके बालों में अगर कोई डैमेज है तो उसको भी दूर करता है, आपके बालों के डैमेज को दूर करता है। अगर आपके बालों में ड्राइनेस है, बहुत ज़्यादा रफनेस है तो आपके बालों को न्यूरिशमेंट देगा, आपके स्काल्प को हाइड्रेट करेगा। तो उस चीज़ के लिए ये वाला जो हेयर स्पा है एप्लीकेबल होता है। तो ये पर्पल कलर का जो है जार ये है और आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा है, आपके बालों को इनहेंस करता है, शाइन बढ़ाता है उनकी, और ज़्यादा मैनेजेबल आपके बालों को रखेगा और ऑयल कंट्रोल भी साथ के साथ आपके बालों को देता है। तो ये है सीरीज एक्सपर्ट का प्रो केराटिन पर्पल कलर का जो जार है ये लिस अनलिमिटेड। ध्यान रखना कि अगर आपके बालों में किसी तरह कोई कलर है, कोई हाईलाइटिंग है तब आप ये वाला हेयर स्पा यूज़ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे हेयर स्पा की तरफ जो कि है लॉरियल से ही, और जो ये सी ग्रीन कलर का जार है ये आपने देखा होगा और ये है लॉरियल का स्मूथनिंग क्रीम बाथ विद वाटर लिली फॉर थिक एंड रिवेलियस हेयर के लिए, और इसका जो प्राइस है ये 600 रुपये का। इसकी भी शेल्फ लाइफ जो है 3 साल की है। सो गाइस जो ये वाला हेयर स्पा क्रीम है ये आपके कोई किसी भी तरह के बाल हों, ऑल टाइप ऑफ हेयर के लिए, ऑल टाइप ऑफ स्काल्प के लिए एप्लीकेबल होता है, और ये आपके बालों को स्मूथन करता है, इनको स्ट्रेट करता है। इसके अंदर ग्लिसरीन भी डाला गया है जो कि आपके बालों की अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसको ये कंट्रोल करता है और आपके बालों को स्ट्रेटनिंग लुक भी देता है इसके अंदर। और ये ऑल टाइप ऑफ हेयर्स के लिए है और इसके अंदर वाटर लिली डाला गया है और स्मूथनिंग एजेंट्स डाले गए हैं और ग्लिसरीन भी डाला गया है। तो ये क्या करता है, ये आपके बालों को अगर आपके बालों में हैवी वॉल्यूम है, काफ़ी ज़्यादा अगर आपके हेयर्स हैं तो उनको ये कंट्रोल करता है, आपके बालों की जो वॉल्यूम है ना हैवीनेस उसको कंट्रोल करता है, फ्रिज फ्री करता है, और ग्लिसरीन होने की वजह से ना आपके बालों को एक फ्लैट लुक भी देगा, स्ट्रेटनिंग लुक भी देगा, शाइनर तो ऑब्वियसली बनाएगा ही बनाएगा, आपके बालों को सॉफ्ट
सॉफ्टर भी बनाएगा और आपके बालों को एक जो डैमेज होते हैं ना नीचे से स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं हेयर्स पे, उसको भी ये दूर करता है। और हेयर में अगर आपके डैंड्रफ है तो उसको भी दूर करेगा, और अगर आपके बालों में कोई ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, इचीनेस की प्रॉब्लम है, तो उसको भी ये दूर करता है। तो महीने में हो सके तो एक बार आप हेयर स्पा करा ही लें, और ये ऑल टाइप ऑफ हेयर्स के लिए है। और आप अगर घर पे कर रहे हैं तो इसके साथ आप विटामिन ई का कैप्सूल, एक कैप्सूल एक टाइम पे अपने क्रीम में मिला के अपने बालों में लगाएंगे तो आपको एक पार्लर लुक हेयर स्पा मिलेगा। सो गाइज, ये क्रीम भी बहुत अच्छी है, स्मूदनिंग क्रीम बात है ये, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा एक हेयर स्पा माना जाता है, बहुत अच्छा इसके रिव्यूज़ हैं। और ये ऑल टाइप ऑफ हेयर्स के लिए है, ग्लिसरीन होने की वजह से आपके बालों को बहुत ही एक पार्लर लुक देगा अगर आप घर पे भी इससे हेयर स्पा करते हैं तो। सो गाइज, अब बढ़ते हैं तीसरे हेयर स्पा की तरफ जो है सेंट बोटैनिका से, और ये है रिच डीप न्यूरिशमेंट टू मेक हेयर स्ट्रॉन्गर फुलर एंड थिकर, और ये बायोटीन एंड कोलेजन हेयर मास्क है फॉर ऑल हेयर टाइप्स के लिए है। उसका जो प्राइस है वो 1199 रुपए का है, और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 2 साल की है। गाइज, ये सेंट बोटैनिका का हेयर स्पा जो है ये है केमिकल फ्री हेयर स्पा, और या इसमें कोई सल्फेट या कोई पैराबेन वगैरह नहीं डाला गया है, कोई मिनरल ऑयल नहीं डाला गया है, बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। इसके अंदर भी ग्लिसरीन को डाला गया है और काफ़ी सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो आपके बालों की प्रॉब्लम्स को दूर करेगा, आपके बालों को स्मूदनेस और सिल्कीनेस देगा। और आपके बालों में अगर डैमेज की प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने बताया कि नीचे से अगर स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम अगर हो गई है और बाल रफ हो गए हैं, फ्रिजीनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसके लिए ये वाला हेयर स्पा बहुत ही बेस्ट है। इसकी जो फ्रेग्रेंस है माइल्ड है। अगर आप इस तरह के केमिकल वाले हेयर स्पा की तरफ नहीं जाना चाहते और कोई हर्बल या आयुर्वेदिक हेयर स्पा ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए सेंट बोटैनिका का हेयर स्पा जो क्रीम है मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर अपने बालों में आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया हुआ है और आपके बाल नेचुरल हैं लेकिन डैमेज हैं और ड्राई हैं रफ़ हैं, तो उसके लिए आप सेंट बोटैनिका का ये वाला हेयर स्पा यूज़ करें। ये बालों के लिए बहुत अच्छा है और कोलेजन होने की वजह से आपके बालों को बहुत ही स्मूथ कर देगा, और फर्स्ट रिजल्ट ही इसका काफ़ी है। और महीने में एक बार भी अगर आप इससे हेयर स्पा करते हैं अपने घर पे तो बहुत अच्छा आपको एक पार्लर लुक रिजल्ट मिलेगा। सो गाइज, ये तीनों ही अपनी अपनी यूएसपी में काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है मार्केट में, और तीनों ही हेयर स्पा काफ़ी अच्छे हैं। आप चाहें तो अपने बालों के हिसाब से, अपने बालों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने बालों की प्रॉब्लम के हिसाब से इन तीनों में से कोई सा भी हेयर स्पा अगर आप यूज़ करेंगे और तरीके से उसको अप्लाई करेंगे तो आपके बालों की जो डैमेजनेस है, जो बालों की प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाएगी। सो गाइज, आई होप मैं इन तीनों को ही रिकमेंड करूँगी, तीनों की मैंने यूएसपी बता दी है, और अपने बालों के हिसाब से आप चूज़ कर लें। और इसको अगर आपने परचेस करना है तो तीनों का मैं परचेस लिंक शेयर कर दूंगी, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जाके चेक कर लेना। और अगर आपने देखना है कि हेयर स्पा कैसे करते हैं घर पे तो उसकी भी वीडियो का मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहां जाके इसको देख सकते हैं। सो गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया है और कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट जरूर कर देना, और अगर रिव्यू पसंद आया है, हेल्पफुल लगा हो तो मुझे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। तीनों के तीनों हेयर स्पा का लिंक मैं शेयर कर दूंगी, परचेज लिंक मैं शेयर कर दूंगी, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और देख लीजिएगा। बाय।